नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। इंटर स्टेट बसें 14 से पहले चरण में 25 रूटों पर दौड़ेंगी HRTC। हिमाचल को जल्द मिलेंगे 750 करोड़, शिक्षा विभाग को केंद्र जारी करेगा ग्रांट। MPhil परीक्षा 24 को HPU ने जारी की अधिसूचना। सेना भर्ती को रहे तैयार, सरकार ने सेना से भर्ती रैलियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का किया आग्रह। बेरोजगारी खत्म करने के बजाय महंगाई बढ़ा रही सरकार, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने घेरी भाजपा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री बोले, अटल टनल कांग्रेस की देन, लोगों को गुमराह कर रहे जयराम। 15 अक्टूबर को अभिभावकों के साथ लाइव जुड़ेंगे शिक्षा मंत्री, बच्चों की एजुकेशन से जुड़े मसलों पर होगा संवाद। माँ और छोटे भाई को जान से मारने की कोशिश, शाहतलाई के दबट में खून के रिश्ते दरकिनार। नशे के खिलाफ आगे आए समाज, रामपुर में जागरूकता सेमिनार में DIG ने किया आह्वान। चिंतपूर्णी नवरात्र मेले के दौरान निजी लंगर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। कभी भी रैश ड्राइविंग ना करें, कभी शराब पी कर गाड़ी ना चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, टू व्हीलर में हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। आइए हम सड़क सुरक्षा को एक आदत बनाएं, ताकि हर साल हजारों लोगों की जान सड़क पर ना जाए। रोड सेफ्टी सेल परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल में कल यानी 14 अक्टूबर से इंटर स्टेट बस सेवा शुरू हो जाएगी। विभाग पहले चरण में सिर्फ 25 रूटों पर ही इंटर स्टेट बसें चलाएगा। इनमें चंडीगढ़, पठानकोट, बद्दी, होशियारपुर, लुधियाना, अम्बाला, हरिद्वार इत्यादि प्रमुख हैं। इंटर स्टेट बस रूटों में रात्रि बस सेवाएं भी सम्मिलित की गई हैं। परिवहन मंत्री ने बताया कि नवरात्रों और त्योहारों के मद्देनजर लोगों को सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लिया है। शिक्षा मंत्रालय प्रदेश शिक्षा विभाग को शिक्षा के विभिन्न मदों पर खर्च के लिए 750 करोड़ की ग्रांट जारी करेगा। केंद्र सरकार जल्द ही हिमाचल को पहली किस्त जारी कर देगा। मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस पर चर्चा हुई। हिमाचल से शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। केंद्र सरकार ने अभी तक हिमाचल को 110 करोड़ की एडहॉक ग्रांट जारी की है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में 24 अक्टूबर को MPhil की परीक्षा करवाई जाएगी। ये परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जियोलॉजी और BTech के पहले सत्र की MPhil की परीक्षाएं होनी हैं। परीक्षा नियंत्रक JS नेगी की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य सचिवालय में मंगलवार को पहली बार सिविल मिलिट्री वेलफेयर कोऑर्डिनेटिंग कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता सैनिक वेलफेयर मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने की। इसमें सेना की उत्तर और पश्चिमी कमान तथा RTRAC के अधिकारी शामिल हुए। सरकार ने सेना से भर्ती रैलियों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी भर्ती रैली करने का आग्रह किया। धर्मपुर के बरछवाड़ में बनने वाली राज्य की पहली सरकारी सैन्य अकादमी के लिए भी सेना से मदद मांगी गई है। IGMC में हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक में 50 रुपए से कम यूजर चार्जेस वाले टेस्ट की दरों में बढ़ोतरी पर कांग्रेस ने सरकार पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल के दौरान जहां लोगों को सुविधाएं देने का प्रयास करने चाहिए था, तो वहीं सरकार लोगों पर महंगाई का बोझ लाद रही है। कोरोना काल में एक और जहां बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है और लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो वहीं अब सरकार ने टैक्स में बढ़ोतरी कर इन लोगों के परेशानियों में इजाफा करने के लिए एक और कदम उठाया है। राठौर ने प्रदेश में सीमेंट के मूल्यों में बढ़ोतरी पर भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि सीमेंट कंपनियों की लूट खसोट नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सीमेंट कंपनियों के दबाव में इनके मूल्यों को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बनने वाला सीमेंट अन्य राज्यों में सस्ता और यहाँ महंगा, प्रदेश के साथ एक बड़ा अन्याय है। उन्होंने कहा कि इसे किसी भी स्तर पर सहन नहीं किया जा सकता। अटल टनल के लोकार्पण समारोह में कांग्रेस कार्यकाल में हुए शिलान्यास की पट्टिका को
हटाए जाने पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अटल टनल के उद्घाटन समारोह के दौरान यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के नाम की शिलान्यास पट्टिका को हटा दिया गया, जो भाजपा सरकार का राजनीति से प्रेरित काम है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि अटल टनल के उद्घाटन समारोह में उन्हीं की अगुवाई में कांग्रेस के विधायक दल का प्रतिनिधिमंडल गया था, जहाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में भाग लिया गया, लेकिन भाजपा ने इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण किया और ये धारणा देने की कोशिश की कि अटल टनल भाजपा के प्रयासों से बनी है। इसलिए हमने समूचे टनल क्षेत्र का दौरा किया, जहां कांग्रेस के तमाम विधायकों ने भी देखा कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के नाम से स्थापित इसी टनल की शिलान्यास पट्टिका वहां नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि इस बारे पता चला कि बीआरओ के अधिकारियों ने उस पट्टिका को किसी स्टोर में रख दिया है। ये अशिष्टता की बात है। जब आप किसी भी परियोजना का उद्घाटन करवाते हैं, तब उसकी शिलान्यास पट्टिका को भी समानांतर लगाया जाता है। शिलान्यास पट्टिका भी उस कार्यक्रम में हिस्सा बनती है, लेकिन उद्घाटन समारोह में शिलान्यास पट्टिका को हटाया जाना कोरी राजनीति है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के मंडी दौरे के दौरान मैंने ये बात कही है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के सत्तासीन होते ही दोबारा इस पट्टिका को स्थापित किया जाएगा। अटल टनल भाजपा का प्रोजेक्ट कभी भी नहीं रहा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने केवल मनाली से टनल तक जाने वाली सड़क की अनाउंसमेंट की थी, जबकि सोनिया गांधी ने टनल का शिलान्यास किया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह समेत हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता उस कार्यक्रम के साक्षी थे। हमें इस टनल का पूरा इतिहास मालूम है, लेकिन जयराम सरकार ने इस संबंध में गलत दलीलें देकर लोगों को गुमराह किया। कोरोना काल में बंद स्कूलों को फिर से शुरू करने को लेकर सरकार ने कवायद तेज कर दी है। इसी के चलते शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ईपीटीएम के माध्यम से सीधे तौर पर अभिभावकों और बच्चों से जुड़ेंगे। 15 अक्टूबर को 3 से 5 बजे के बीच ये ईपीटीएम होगी, जिसमें यूट्यूब के जरिए लाइव सत्र चलेगा। इस दौरान शिक्षा मंत्री कोविड के दौर बच्चों की ऑनलाइन एजुकेशन पर बात करेंगे। इसके साथ ही लॉकडाउन के प्रभावों को कम करने के लिए विभाग के प्रयासों के बारे में भी बताएंगे। दूसरे चरण की ईपीटीएम 16 से 19 अक्टूबर के बीच करवाई जाएगी। इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्री करेंगे। इससे पहले 4 से 7 अगस्त के बीच ईपीटीएम करवाई गई थी, जिसका बेहतर रिस्पांस सामने आया था। इसमें करीब 92% अभिभावकों से संवाद किया गया था और करीब 48,000 बच्चे इसमें जुड़े थे। सभी शिक्षक भी अपने स्तर पर अभिभावकों को ईपीटीएम से जुड़ने के लिए सूचित करेंगे। इसमें हर घर पाठशाला के घटनाक्रम की जानकारी दी जाएगी, साथ ही मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन पर भी चर्चा की जाएगी। शाहतलाई की ग्राम पंचायत झबोला में कलयुगी बेटे ने मां व छोटे भाई को नशीला पदार्थ पिलाकर जान से मारने की कोशिश की। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मां बेटे को बेहोशी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तलाई पहुंचाया। उल्लेखनीय है कि दबट निवासी जीतराम पत्नी और बेटे नितिन के साथ किराए के मकान में रहता है। जीतराम ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी का पहले पति का बेटा सुनील अक्सर यहां आता रहता था, जबकि कुछ दिन पश्चात वह अपने घर चला जाता था, परंतु मंगलवार को सुनील अपने दो दोस्तों के साथ आया। उन्होंने मेरी पत्नी व छोटे बेटे को धोखे से नींबू जूस में नशीला पदार्थ पिला दिया, जिससे वे दोनों बेहोश हो गए। उन्होंने बताया कि फिर सुनील व उसके दोस्तों ने किसी तेज हथियार से मेरी पत्नी पूजा का गला काटने का प्रयास किया, जिस वजह से वे जख्मी हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर दिव्यांश राणा ने कहा कि पुलिस कर्मचारी बेहोश हालत में एक महिला व लड़के को लेकर आए थे, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। रामपुर बुशहर के पदम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभागार में नशा निवारण पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें नारकोटिक्स विभाग के DIG रामेश्वर ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शिविर में विभिन्न स्कूलों के प्राचार्यों के अलावा क्षेत्र के गणमान्यों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर मुहिम चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर समाज नशे के खिलाफ जागरूकता मुहिम चलाए तो नौजवान पीढ़ी को नशे की गर्त में जाने से बचाया जा सकता है। 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे चिंतपूर्णी नवरात्र मेलों के दौरान निजी लंगर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये बात मंदिर आयुक्त एवं उपायुक्त ऊना संदीप कुमार ने DRDA हॉल में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। DC ने कहा कि COVID-19 वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ऊना ने ये फैसला लिया है।
उन्होंने लंगर लगाने वाली सभी संस्थाओं से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लंगर ना लगाएं और प्रशासन की मदद करें। उन्होंने कहा कि नवरात्र मेलों के अवसर पर मंदिर परिसर में हवन का आयोजन और कन्या पूजन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीसी ने बताया कि प्रातः 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक ही माँ चिंतपूर्णी के दर्शन किए जा सकेंगे। नवरात्रों में लंगर भंडारे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी तरह का रास्ते में या चिंतपूर्णी के आसपास प्रशासन जो है वो लंगर नहीं आयोजित होने देगा।